किस तरीके से इसने इम्पैक्ट किया ओवरऑल इकोनॉमी को सो नाउ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज देयर दैट ग्लोबलाइजेशन जो है नो डाउट एवरीथिंग इफ वन थिंग इज केम इनटू द एग्जिस्टेंस इट मींस इट हैज द बोथ काइंड ऑफ इम्पैक्ट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तो एज एज लाइक सिमिलर वी कैन कॉल दैट ग्लोबलाइजेशन ने भी क्या किया दोनों तरीके के इफेक्ट किए पॉजिटिव भी और

एम्प्लॉज एम्प्लॉयर प्रोड्यूसर्स में भी लार्ज प्रोड्यूसर्स है स्मॉल प्रोड्यूसर्स है सो द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो डिफरेंट ऑन एवरी वन राइट सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट कि नो डाउट ग्लोबलाइजेशन ने हर एक पार्टी को इफेक्ट किया है बट किस तरीके से किया है राइट सो दिंग इज देअर वी कैन सी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर पार्टी को इफेक्ट कर रहा है लाइक द कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स एंड एम्प्लॉय राइट सो वी विल डिस्कस इन दिस कंसेप्ट अबाउट अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कंज्यूमर्स ओन द प्रोड्यूसर्स एज वेल एज ऑन द एम्प्लॉज राइट सो हेयर वी कैन सी वेरी वेल की जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपटीशन आया प्रोड्यूसर्स के बीच में चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर्स में आया या फॉरेन प्रोड्यूसर्स में आया द फर्स्ट इज देयर जो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा किसके लिए कंज्यूमर्स के लिए वाई स्पेशली फॉर द पीपल हु इन द अर्बन एरिया वाई इट इज सो क्योंकि अब जो था अर्बन एरिया के लोग हो गए चाहे रूरल एरिया के भी लोग हुए अब जो कंज्यूमर था दे वर हैविंग द ग्रेटर चॉइस इन फ्रंट ऑफ देम राइट कि अब कंज्यूमर क्या कर सकते थे दे कैन चूज अ लॉट ऑफ वैरायटी दे कैन चूज द प्रोडक्ट एज पर देयर विश एज पर देयर प्राइस लेवल एज पर देयर इनकम लेवल एज पर देयर रिक्वायरमेंट कि उनकी क्वालिटी क्या है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि वो अपनी क्वालिटी लो प्राइजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो थे वो परचेस कर सकते थे एंड ड्यू टू दिस रीजन नो डाउट आज के टाइम में जो लोग हैं दे आर जस्ट सर्वाइविंग ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पॉसिबल पॉसिबल तो हमने पहला कंसेप्ट स्टडी किया कि कंज्यूमर पे जो इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का दैट वाज पॉजिटिव इट मींस हाउ इज इज इट पॉजिटिव की कंज्यूमर जो था वो अब वेराइटी में से जो था वो चूज कर सकता था प्रोडक्ट को राइट right? कि अब जो है वो उसके पास ऑप्शन थे और वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो थे वो कम प्राइस पे भी परचेज कर सकता था सो so दैट उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ राइट नाउ द सेकेंड वन क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर्स पे और वर्कर्स पे इफेक्ट कैसा आया अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की और वर्कर्स की तो प्रोड्यूसर्स फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोड्यूसर्स इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूसर्स पे जो इमेक्ट था वो सिमिलर नहीं था देखो प्रोड्यूसर्स जो है वो सभी एक जैसे नहीं होते इट मीस समेम लार्ज प्रोड्यूसर्स बड़ी बड़ी कंपनी लगा रखी है कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं कोटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे हैं सो द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वॉज ऑल्सो नॉट सिमिलर नॉट यूनिफॉर्म ऊन द एवरी प्रोड्यूसर जो एम एनसीज थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट इनक्रीज कर दी लास्ट ट्वेंटी इयर्स में कि उन्होंने मतलब मेनली क्या किया इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एंड नो डाउट दैट वॉज सो मच बेनिफिशियल अब एम जो थी जनरली वो कैसे इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रख रही थी जो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट्स देंगी नो no डाउट अगर कोई भी पर्सन कंपनी शुरू करेगा किसी कंट्री में तो वो देखेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं तो एमएनसीज ने ज्यादा पैसा किस पे इन्वेस्ट किया सेलफोन ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक फास्ट फूड बैंकिंग की सर्विसेज में अर्बन एरियाज में क्योंकि रीजन कि उसके बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स थे और इन इन सर्विसेज़ में नई नई जॉब्स भी क्रिएट हुई और इसमें एक बेनिफिट क्या आया कि जो लोकल अपना रॉ इन इंडस्ट्रीज को सेल ऑफ कर सकती हैं राइट सो दिस वाज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट नो डाउट दिस वाज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट साथ हमारी गवर्नमेंट ने और भी क्या किया जस्ट टेप्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिखले कुछ सालों में हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कुछ तरीके अडोप्ट किए फॉर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए तो इसमें मेनली क्या क्या किया गया मेनली दो काम किए गए द फर्स्ट वन वर्क वॉज देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसीजेड एसीजेड मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो सबसे पहला गवर्नमेंट ने क्या किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए नाउ द क्वेश्चन अराइज कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे ऐसे एरिया सेटअप कर देती है गवर्नमेंट जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी वाटर रोड ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एवरी काइंड ऑफ द फैसिलिटीज इज अवेलेबल इन दीज काइंड ऑफ एरियाज और जो कंपनीज इस एरिया में सेटअप करती हैं अपनी फैक्ट्रीज को उनको गवर्नमेंट क्या करती है एग्जामशन देती है टैक्स की सब्सिडीज देती है और जो कंपनी सेटअप नहीं करती suppose, तो उनको मेनली इस तरीके की कोई भी सब्सिडीज नहीं मिलती और जो सेटअप करेंगी इसमें ऐसी जेड में उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता फॉर द पीरियड ऑफ द फाइव दिस वॉज द वन वे कि गवर्नमेंट ने ट्राई किया फॉरन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड टू अट्रैक्ट द द इन्वेस्टमेंट यूजिंग अनदर वे उसमें उसने उसने क्या किया उसने जो लेबर लॉ बनाए थे कि जो लोग काम करेंगे उनके रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उसको ईजी कर दिया इजी कर दिया मीन्स मतलब एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेलफेयर में नहीं आए बट फोरन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या किया गया इजी कर दिया फ्लेक्सिबिलिटी कर दी जैसे कि हमने चैप्टर टू में स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं बट अन सेक्टर नहीं करते तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कंपनीज को बहुत से रूल्स को इग्नोर करने के लिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि रेदर देन आप परमानेंट वर्कर हायर करोगे कंपनी कैन हायर द पीपल ऑन द कैजुअल लेवल और कम टाइम के लिए भी हायर कर सकते हैं अगर ज्यादा काम है तो और मेनली लिए, लिए किया गया कि उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको कम कर दिया जाए अभी भी स्टिल इतनी भी रिलैक्सेशन के बाद फॉरेन कंपनीज अभी भी और एक्सपेक्ट uh, कर रही थी कि लेबर लॉ में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जाए तो स्टिल दीज द टू मेन वेज हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट ट्राइज टू अट्रैक्ट द Foreign investment. अब ये भी globalization promote करने का तरीका है है तो इससे क्या क्या है? जैसे मैंने में में बताया कि कि आई उन्होंने ऐसे ऐसे चीजों की जिससे हमारी local companies को benefit मिले बहुत सी जॉब क्रिएट हुई नई नई लोकल कंपनीज ने उनको रॉ मटेरियल दिया तो ये एक बेनिफिट आया राइट right? अब सेकेंडली क्या हुआ और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया ग्लोबलाइजेशन का कि हमारी जो टॉप इंडियन कंपनीज थी उनको बेनिफिट मिला टॉप इंडियन मींस की जो बड़ी ज़्यादा वेल्थ जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा था अच्छी टेक्नोलॉजी थी उनको बेनिफिट कैसे मिला कॉम्पिटिशन बढ़ने से अब उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया नए नए प्रोडक्शन मेथड में पैसा लगाया प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ाए फॉरेन कंपनीज के साथ मिलके भी काम किया तो ओवरऑल उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले टू बेनिफिट्स आर देयर थर्ड बेनिफिट और भी हुआ कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हेल्प मिली कि हमारी जो इंडियन कंपनीज थी बड़ी-बड़ी उनकी helps, मतलब हमारी कंपनी जो थी वो एमएनसी भी काम किया उन्होंने जैसे कि टाटा मोटर इंफोसिस, रेनबेक्सिस एशियन पेंट बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एज ए एम जो था इंटरनेशनल मार्केट में वर्क किया राइट right? तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे काम किया आफ्टर पॉजिटिव इंपैक्ट द वन पॉजिटिव पॉइंट वाज देयर कि ग्लोबलाइजेशन ने और भी क्या किया नई नई अपरचुनिटीज क्रिएट की किसके लिए जैसे हमने स्टडी किया था कि आईटी सेक्टर ने ग्लोबलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया तो ऐसे सर्विसेज uh, प्रोवाइड करने में जो स्पेसिफिकली आईटी के लिए थी जैसे इंडियन कंपनी ने हमने लंदन वाला प्रोजेक्ट डिस्कस किया था कि एक मैगजीन के लिए कॉल सेंटर्स भी बनाए, भी मैगज़ीन प्रिपेयर की और डाटा एंट्री अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से ऐसे थे जो हमारे इंडिया की कंट्री में सस्ते रेट पे काम किया जाता था और देन इकोनॉमीज में उसे भेजा जाता था दीज वर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कि एम ने पैसा इन्वेस्ट किया लोकल कंपनीज़ को बेनिफिट मिला हमारी टॉप इंडियन किया हमारी बहुत सी उन्होंने काम किया एज वेल एज उन्होंने सर्विस सेक्टर के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की दीज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन राइट फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए बहुत से ऑप्शंस आ गए वैरायटी आ गई प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत से ऑप्शंस आ गए राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कि नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट किया ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री को सो फर्स्टली वी विल डिस्कस वन ऑफ द केस स्टडी ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स कॉम्पीट और पैरिश अब नो डाउट हमारी इकोनोमी में छोटे छोटे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको ग्लोबलाइजेशन ने बड़े ही नेगेटिव uh, लेवल से इम्पेक्ट किया कैसे देखिए वन ऑफ द केस स्टडी ऑफ रवि रिलेटेडिंग कॉम्पिटिशन आई विल टेल यू की रवि को ये नहीं मालूम था कि इतने छोटे टाइम पीरियड के अंदर उसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगी इनिशियली रवि ने क्या किया 1992 में उसने अपना एक बिजनेस शुरू किया बाय टेकिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक ठीक है उसकी कंपनी जो थी तमिलनाडु में नियर एक विलेज में थी वो उसकी कंपनी एक कैपेसिटर प्रोड्यूस करती थी कैपेसिटर इज ए दैट इलेक्ट्रॉनिक टूल कि जो लाइट्स वगैरह में टेलीविजन में यूज होता था ओके विद इन द्री इयर्स उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर लिया अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई अब उसके अंडर ट्वेंटी वर्कर्स जो थे वो काम कर रहे थे बट उसकी स्ट्रगल कब से शुरू हुई जब गवर्नमेंट ने क्या किया इम्पोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया उसने क्या किया एज पर द टी ओ के रूल के अकॉर्डिंग 2001 में जो कैपेसिटर्स थे उसके इम्पोर्ट को फ्री कर दिया उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो उसके जो मेन क्लाइंट थे टेलीविजन कंपनीज जो उसका कैपेसिटर परचेज करते थे तो बहुत बल्क में करते थे वो लोग टेलीविजन सेट्स के लिए अब इससे क्या हुआ एम आ गई एम बाहर से इम्पोर्ट हो गए उन्होंने इम्पोर्ट करने शुरू कर दिए तो एम का जो ब्रांड था वो क्वालिटी में भी अच्छा था प्राइस में भी कम था तो इंडियन कंपनी जो थी वो बहुत इजीली मूव कर गई टूवर्ड्स द एम एनसी प्रोडक्ट कुछ ऐसे भी थी जो कैपेसिटर रवि से परचेज कर रही थी बट उन्होंने भी ये प्रेफर किया कि इम्पोर्ट किया हुआ जो था प्राइस जो था वो हाफ था जो प्राइस रवि चार्ज कर रहा था उससे हाफ था राइट नाउ व्हाट विल है अब क्या हुआ रवि के साथ तो उसकी एक ऐसी स्टेट आ गई कि अब उसको हाफ से भी कम कपेसिटर प्रोड्यूस करने पड़े जो वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था उसको अपने वर्कर्स भी कम करने पड़े जो उसने ट्वेंटी रखे थे उससे कम करके उसने सेवन कर दिए अब बहुत से उसके रवि के जो फ्रेंड थे हैदराबाद चेन्नई में उन्होंने तो अपनी ये को क्लोज ही कर दिया क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आने लग गए तो अब यहाँ पर मेन टर्म क्या है कि सिर्फ हम एक एग्जाम्पल ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटर्स ही ऐसे थे बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो बैटरी कैपेसिटर्स प्लास्टिक टॉय टायर डेयरी प्रोडक्ट वेजिटेबल बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वो बना रहे थे स्मॉल मैन्युफैक्चरर बट ड्यू टू द फेसिंग कंपटीशन हार्ड कंपटीशन फ्रॉम दउस आउटसाइड ऑफ द कंट्री इट जस्ट लीड टू द क्लोजिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ बहुत दी यूनिट्स जो थी वो बंद कर दी गई जिससे वर्कर्स क्या हुए जॉबलेस हो गए तो नो no डाउट हमारी जो इंडियन इकोनोमी है उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा पोर्शन होता है

up to this topic we have studied about some of the positive impact of globalization and some of the one of the ne negative impact is there